नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 अक्टूबर 2022 के आपके संपूर्ण राशिफल के बारे में। शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वो पहुँचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है। लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उनकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जिंदगी की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें खा नहीं सकता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने की खौफ रहता है। भरोसा तो अपने सांसों पर भी नहीं है और हम इंसान पर भरोसा करते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह जीवन का सीख अगर आपको सच्चा लगा हो, समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज का पंचांग, आज दिन सोमवार 31 अक्टूबर 2022, शुक्र पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि के प्रातः काल 1:11 रहेगा। उसके उपरांत ही अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। उत्तराषाढ़ा नाम का नक्षत्र रात्रि के प्रातः काल 4:15 रहेगा। उसके उपरांत श्रवण नाम का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। धृति नामक शुभ योग शाम के 4:12 रहेगा। उसके उपरांत ही शूल नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। राहुकाल के समय अर्थात दिन के अशुभ समय यश में आप कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा सुबह के 9:22 लेकर सुबह के 11:24 तक। और चंद्रमा दिन धनु राशि के प्रांत मकर राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करें अर्थात शुभ समय की, तो यह समय रहेगा सुबह के 11:48 लेकर दोपहर के 12:32 तक। दोस्तों, यश में आप सभी शुभ कार्यों को कर सकते हैं। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आएंगे। यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। किन किन क्षेत्रों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, इन्हें आप ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, यश में आपके व्यक्तित्व और वाणी द्वारा लोग आपसे प्रभावित होंगे। सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान भी यश में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से किसी मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी यश में होने वाले हैं। और दोस्तों, आपको बता दें यश में आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों, कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होने से या फिर ईगो की भावना रखने से आपसे संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकते हैं। दोस्तों, किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी कोई भी योजना शेयर ना करें, अन्यथा धोखाधड़ी भी हो सकती है। दोस्तों, इन सब चीज़ों से यश में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। उसके उपरांत दोस्तों, यश में जो जिम्मेदारी आपने खुद को कर ली थी, दोस्तों आपको बता दें कि उसी जिम्मेदारी संबंधित आपका उत्साह भी यश में कम होगा और काम संबंधित रुचि भी कम होने की वजह से काम की क्लैरिटी पर इसका असर दिख सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पर यश में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों के प्रति आपकी नाराजगी भी बढ़ेगी। जब तक बात को आप खुलकर नहीं बोल पाएंगे तब तक लोगों को आपके विचार समझ पाना कठिन हो सकता है। तो दोस्तों, सभी के साथ खुलकर बोलें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि यश में भाग्य उन्नति के शुभ अवसर भी बन रहे हैं। दोस्तों, कुछ समय से चल रही चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। परिवार के लोगों की हर छोटी बड़ी बातों को जो है जरूरत पूरा करने में आपको आनंद प्राप्त होगा।
इसके उपरांत दोस्तों यश में कुछ विरोधी भी आपके ऊपर हावी होंगे, परंतु आपका अहित यश में नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि जल्दबाजी और फिर अति उत्साह में बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है। यशमय संतान का अड़ियल तथा जिद्दी रवैया भी आपको परेशान कर डालेगा। धैर्य और संयम से काम लें, सब काम सही होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि आपके आसपास के लोगों पर विश्वास बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा, जिसकी वजह से आप हर एक काम खुद से ही पूरा करके ही कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के लोगों द्वारा मिल रही आलोचना की वजह से जो है उनके प्रति कटुता आपकी बढ़ सकती है। यदि आपको अपनी निर्लय क्षमता पर विश्वास है तो दोस्तों आपको अपने निर्लय पर डटे रहना ही उचित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार में सुख शांति आपके लिए प्राथमिकता भी रहेगी। दोस्तों काम काज व फिर परिवार में बेहतरीन तालमेल भी बना रहेगा। विशेष सामाजिक व्यक्ति का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों तथा युवा अपने लक्ष्य के प्रति इसमें आकर्षित भी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय वाहन या फिर घर की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चा भी बढ़ेगा। अपने बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की वजह से कोई महान हानि होने की शंका भी लग रही है। दोस्तों अपने महत्वपूर्ण चीज़ों अथवा पेपर्स बहुत अधिक संभाल कर रखें, ये आपके लिए यशमय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय एक से अधिक बातों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने की वजह से और परिस्थिति पूरी तरह आपके खिलाफ होने की वजह से आपके अंदर जो है कन्फ्यूजन हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें प्रैक्टिकल विचार रखकर आप जो है काम करने की आवश्यकता आपको होगी। भावनाओं को यशमय आप जो है अधिक महत्व ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि जो समय होंगे आपके लिए लाभदायक समय होगा। किसी भी कार्य तथा मेहनत के उचित परिणाम भी इसमें आपको हासिल होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा है तो दोस्तों उसे सुलझाने का उचित समय है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व फिर करियर से संबंधित समस्या से राहत मिलेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आर्थिक मामलों में काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार की जो है भविष्य संबंधी योजनाएं बनाते समय अपने ही निर्णय को प्राथमिकता दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दूसरों की बातों में आने से आपको परेशानी आ सकती है, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यापार संबंधी बातों में यशमय आपको फायदा नजर आएगा। दोस्तों यशमय खुद को बेहतरीन बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा भी किए जाएंगे, जिसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन भी यशमय प्राप्त होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, कार्य क्षेत्र में यशमय आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। और दोस्तों मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी कोई बड़ा ऑर्डर यशमय आपको मिल सकता है। पेमेंट मिलने संबंधी कार्य भी इसमें सफल नहीं होंगे। धैर्य तथा संयम बनाकर रखें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय के प्रति आपके ठोस निर्णय सकारात्मक रहेंगे। यशमय काम काज में नई उपलब्धियाँ आपका इंतजार भी कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी योग्यता व फिर प्रतिभा के बल पर कोई उपलब्धि भी यशमय आप हासिल करने में सक्षम रहेंगे। सिर्फ अत्यधिक मेहनत करने की यशमय आवश्यकता होगी, तो दोस्तों अपने कार्यों पर जो अपने ध्यान को यशमय जरूर केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि काम काज के लिए लिए गए ठोस निर्णय व फिर महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए कामयाब रहेंगे। सिर्फ अधिक मेहनत व फिर परिश्रम करने की जरूरत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं पर एक बार पुनर्वित विचार करना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों यशमय पैसे लगाते समय बजट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये सब चीज़ आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अभी व्यवसायिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का प्रयत्न भी आप ना करें, क्योंकि दोस्तों यशमय रुके हुए पेमेंट का कलेक्ट करने का तथा आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने का समय होगा। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को फोन द्वारा कई उचित जो है महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकते हैं, जिससे आपका मन यशमय गदगद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल भरा माहौल रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है। प्रेम संबंध भी यशमय मर्यादित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे।
और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों, यह समय पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के चलते घर में किसी प्रकार की कड़वाहट का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हो सके तो इसमें प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। पति पत्नी तथा घर के सदस्य भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। प्रेम संबंधों में भी किसी प्रकार की नकारात्मक बातों की दूरियां आ सकती है। तो दोस्तों इन सभी ये जो समय है आपके लिए प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। और इसके बाद दोस्तों इसमें अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों इसमें आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कभी कभी कमजोरी और थकान की स्थिति भी इसमें रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यशो में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे दोस्तों, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, एलर्जी अथवा मौसमी बीमारियों के संकेत भी इसमें मिल रहे हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशो में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान सकारात्मक वातावरण की वजह से आप लापरवाही ना बरतें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु डायबिटीज लोग अपनी नियमित जाँच अवश्य करवा लें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें।